इन दिनों पशुओं की आंखों में आंसू आना, गीड आना, ये समस्या बहुत हो रही है फील्ड में। पशुओं की आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं, गीड आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, तो सबसे पहले आपको पशुओं की डीवर्मिंग करनी है। डीवर्मिंग का मतलब पशुओं को कीड़ों की दवा देनी है। अगर आपका पशु खाली है तो आप अल्बेंडाजोल साल्ट दे सकते हैं। इसमें अल्बेंडाजोल में बहुत सारी टेबलेट मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी और बहुत सारे लिक्विड अलग अलग कंपनियों के मिल जाएंगे। अगर आपका पशु खाली है, गैबिन नहीं है, तो आप अल्बेंडाजोल से डीवर्मिंग कर सकते हैं। अगर आपका पशु गैबिन है, ब्याने वाला है, तो आपको फनबेंडाजोल साल्ट से डीवर्मिंग करनी है। आमतौर पर मेडिकल स्टोरों पर ये साल्ट भी आसानी से उपलब्ध है। ये बॉल्स की फॉर्म में और लिक्विड की फॉर्म में दोनों तरीके से उपलब्ध है। तो सबसे पहले आपको पशुओं की डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़ों की दवा देनी है। अगर आप पशुओं को पेट की कीड़ों की दवा दे चुके हैं फिर भी आपके पशुओं की आंखों में गीड़ आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले NS ड्रिप लेनी है। NS या मेट्रोजेल, दोनों में से जो भी बोतल आपको, जो भी ड्रिप आपको आपके आसपास मेडिकल स्टोर से मिले, आप ले सकते हैं। और ये ड्रिप आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। NS या मेट्रोजेल दोनों में से एक लेनी है और इसमें से जो इसमें फ्लूड है उसको निकाल के पशु की आँख को डेली धोना है। सुबह, दोपहर और शाम एक दिन में 3 बार पशु की आँख को अच्छी तरह उस बोतल में से फ्लूड निकालकर उस बोतल के पानी से धोना है। और धोने के बाद आपको पेंडिस्टिन SH नाम की ये ट्यूब आती है, इसको आँख में डालना है लगातार। जैसे सुबह, दोपहर, शाम 3 बार NS से धो लिया या मेट्रोजेल से धो लिया, धोने के 10-15 मिनट बाद पेंडिस्टिन SH जो ट्यूब है वो अपनी उंगली पर लगाकर पशु की आँख में लगाना है। और ध्यान रखना है, बिल्कुल बीच में सीधा उंगली नहीं लगानी, क्योंकि पशु कई बार अगर डर जाए तो उसके पशु के आँख में उंगली लग सकती है। थोड़ा साइड से या ध्यान से उसकी आँख में आपको ये ट्यूब लगानी है। दिन में 3 बार और 5 से 6 दिन लगातार लगानी है। पशु की आँख में गीड आना, पानी आने की समस्या या कीचड़ टाइप जो भी समस्या है, बिल्कुल इस ट्रीटमेंट से, इस तरीके से सही हो जाएगी। तो हमारी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें उन दोस्तों के साथ, उन भाइयों के साथ, उन डेयरी फार्मर्स के साथ जिनको इन दिनों ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और आप यकीन मानिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इससे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।